हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रो ग्रीन्स बनाना। मेरे को काफी पसंद है माइक्रो ग्रीन्स, पहले भी मैंने बनाया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप सिंपली घर पे ही माइक्रो ग्रीन्स बना सकते हैं। दोनों आइटम इसके मैंने ऑनलाइन परचेज करे हैं अमेजोन से, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। मेनली दो चीज़ों की आपको जरूरत होती है, वो है एक कोकोपीट, जो आपके सामने ऐसा कोकोपीट है, ये जरूरत पड़ती है आपको। ये कोकोनट के लीव से वैसे बनती है, जो उसकी बाहर की कवरिंग होती है उससे। उसके अलावा आपको सीड्स की जरूरत होती है, तो वो दोनों चीज़ें मेरे पास इधर है। मैंने अलग अलग तरीके की सीड्स वगैरह मंगा रखे हैं, काफ़ी टेस्टी लगते हैं अगर आप रेडिश के छोटे छोटे माइक्रोग्रीन्स खाते हैं तो। माइक्रोग्रीन्स का मेनली फायदा ये होता है कि बहुत फुल ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। अगर आप सैलेड्स वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से इसको यूज़ किया है, बहुत पहले से मैं बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा आज आपको वीडियो बनाकर दिखाता हूँ किस तरह कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने एक नॉर्मल ट्रे ली है, और क्योंकि ये काफ़ी क्वांटिटी में बनते हैं इसलिए इस ट्रे में मैं 3 से 4 वेराइटी के अलग अलग माइक्रोग्रीन्स बनाने वाला हूँ। मेरे को जो कॉस्टिंग इसकी पड़ी है, जो कोकोपीट आई है, वो लगभग 180 रुपये की 1 किलो आ जाती है, या 5 किलो आप लेना चाहें तो 300 रुपये के आसपास आ जाती है। और जो माइक्रोग्रीन सीड्स हैं, ये मैंने 12 की वेराइटी खरीदी है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के जो माइक्रोग्रीन्स है वो मैं आपको बताता हूँ। रेड रेडिश, वाइट रेडिश, पाक चॉय, टर्निप, चाइना मस्टर्ड, अल्फा अल्फा, बीट रूट, खोल राबी, क्लोवर, साफ फ्लावर, दिल और गोंगूरा, ये इनमें से कुछ हैं जो मैंने ट्राई भी नहीं किया है। पहली बार ऐसा पैकेट मंगाया मैंने, 700 रुपीज़ का ये मेरे को पैकेट पड़ा, जिसमें मेरे को ऐसे छोटे छोटे पैकेजेस मिल गए हैं। तो आप किस तरह इसको सेटअप कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सिंपली ये पैकेज खोल लीजिए। तो मैंने इधर कुछ पैकेज खोल रखे हैं, जैसे कि ये बीट रूट माइक्रोग्रीन है, तो इसको खोलता हूँ मैं। मैंने एक ट्रे में, नॉर्मल प्लास्टिक की ट्रे आप इधर देख सकते हो, उसके अंदर जो कोकोपीट है वो इसके अंदर फैला ली है। और कोकोपीट फैलाने के बाद मैं जो माइक्रोग्रीन्स हैं, जो इधर इसके आप देख सकते हो सीड्स जो इधर हैं, वो सीड्स में इधर डाल देता हूँ। तो सीड्स में इधर बस ऐसे हल्के से सीड्स इधर डाल देता हूँ। तो ये आप बीट रूट वाले देख सकते हो कि किस तरह मैं इधर सीड्स डाल रहा हूँ, और बाद में इसको हम धीरे धीरे हल्का सा पानी डालते रहेंगे। लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं जर्मिनेशन में, और अभी ये सीड्स रखने के बाद हमको इनके ऊपर अलग कवरिंग के लिए इसके ऊपर हल्का सा कोकोपीट जो हमने लिया है वो भी डाल देंगे। सो ये मैंने एक साइड लगा दिया है, इतने काफ़ी रहते हैं वैसे पूरे, मतलब मेरे लिए इनफ रहेंगे। दो जनों की अगर फैमिली है तो आपके लिए इतना काफ़ी रहेगा, 2 से 3 जनों की फैमिली अगर है, लेकिन मेरे पास और भी अलग अलग तरीके के हैं तो वो यूज़ कर लेंगे हम। एक बीटरूट डाला है, अब मैं चाइना मस्टर्ड डाल रहा हूँ, क्योंकि मस्टर्ड का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो जब आगे छोटे छोटे ये हो जाएंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा कि ये मैंने चाइना मस्टर्ड भी इधर डाल दिया है, और काफ़ी बढ़िया लगता है। अगर आप बाहर कहीं इसको लगा रहे हैं तो आपको हल्का ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर इसके ऊपर एक कवरिंग डालनी पड़ेगी, जिससे कि चिड़िया आकर ना खा जाए, नहीं तो पिजन वगैरह इसको खा सकते हैं। सो और ये मैंने कुछ तो डाल दिए हैं, इसके अलावा ये एक और डाल रहा हूँ, सैफ फ्लावर माइक्रोग्रीन, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन इसको खोल के हैं पैकेट को, और सैफ फ्लावर को भी इधर डाल देते हैं। सो टेस्ट जैसा भी आएगा मैं आपको उस हिसाब से बता दूंगा। ये सैफ फ्लावर है, इसको भी हल्का सा इधर डाल देते हैं। अब ये सारे 4 तरीके के डल गए हैं हमारे सीड्स। अब इसके साथ जब ये सीड्स डल गए हैं, सीड्स डालने के बाद जो आपकी कोकोपीट है वो आप इसके ऊपर हल्का सा इस तरह से फैला सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको सिंपली पानी डालना है इसके ऊपर हल्का हल्का, तो आपका माइक्रोग्रीन का सेटअप पूरा हो जाएगा। पानी डालने के बाद जो कोकोपीट होती है वो काफ़ी फूलती है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होकर बड़ी हो जाती है। तो जैसे ही आप लेंगे आपको ड्राई फॉर्म में मिलेगी, ड्राई फॉर्म में लेने के बाद आप उसके ऊपर माइक्रोग्रीन जैसे ही पानी डालेंगे वो काफ़ी थिक हो जाएगी। तो अब मैंने इसको एक बेसिक कवरिंग दे दी है पूरे पर, माइक्रोग्रीन्स कवर कर दिए सारे, छोटे छोटे पेड़ आ जाएंगे, और जब 7 से 10 दिन या 12-15 दिन हो जाएगा, अलग अलग टाइम पे हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। और ये माइक्रोग्रीन्स इधर पूरे हो गए हैं, अच्छे से कवर हो गए हैं, बस अब पानी डालना है इस पर और कुछ नहीं इसके अलावा। जब आप ये पैकेजेस खरीदेंगे भी तो आप इधर देख सकते हैं, जब ये पैकेजेस खरीदेंगे तो इधर इनके ऊपर लिखा हुआ है कि कितनी लाइफ है, शेल्फ लाइफ कितनी है, और जर्मिनेशन रेट कितना है। मतलब अगर आप डालेंगे तो 90% चांस है आपके बनी रहेंगे। मैंने यहाँ कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, नॉर्मल ट्रे लिए और डाल दिया है। एक्चुअली अगर आप ऑनलाइन वगैरह देखेंगे तो वो बहुत अलग तरीके से मार्केटिंग करते हैं, और सिंपली आपको हल्का हल्का पानी इस पर डाल देना है,
ये पानी डाल दिया है और इसके बाद अब ये जर्मिनेशन हो, इसकी हम एक्सपेक्ट करते हैं हो जाएगी, और 6-7 दिन तक आप हल्का हल्का पानी डालते रहे इसके अंदर और आपका पूरा सेटअप हो जाएगा और सारे आपके माइक्रोग्रीन्स एक्सपेक्टेड हैं कि ये चल जाएंगे। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है कि जिस तरह आप माइक्रोग्रीन्स बना सकते हैं। बस हमारा पूरा काम हो गया है और हमारी ये ट्रे रेडी है। सो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, अगर कोई डाउट्स हैं इसके रिलेटेड तो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस तरह की बनाते रहता हूँ।